चलिए भाई, वो कहते हैं मीडिया में, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं। आज बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल, गोरखपुर जिला ही ले लीजिए, बड़े पैमाने पर मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, पूरा हाहाकार मचा है। वो जो है धरातल पे दिख रहा है, और ये पहली बार ऐसा दिखा है। अगर उनके खिलाफ आप लोग कुछ लिख दिए, दिखा दिए, तो आपको जेल, कई लोग 50ों से ज्यादा हमारे मीडिया के भाई जो चौथे स्तंभ हैं, हमारे पत्रकार भाई, वो आज जेल में हैं। देखिए, मैंने पहले बता दिया, वो स्वयं लड़ लें किसी दल से नहीं, तो खुदे पता चल जाएगा कितना वोट मिला कितना नहीं। ऐसे में वो इस समय मायावती जी का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। मेरे भाई, मेरे पत्रकार बंधुओं, वो कभी बहन जी का गुणगान करते हैं, कभी कांग्रेस का करते हैं, तो वो छटपटा रहे हैं। जब भाजपा ने बर्खास्त किया तो बाबा को गाली देना शुरू किया, और जब चुनाव आया उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट नहीं देना है, और जब सपा से अलग हुए और सपा के गठबंधन के पहले जब अलग हुए, तो उन्होंने कहा था कि जो भाई बहन समाजवादी पार्टी को वोट करेगा वो अपनी बहन बेटी काज खोलेगा। ये शब्द शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। ठीक, तो जब भाजपा से चुनाव लड़े तब जीते, फिर गठबंधन सपा से किए तब जीते, एक बार स्वयं लड़ लें तो पानी पानी दूध का दूध हो जाएगा, तब आप लोग भी उनसे मुंह मोड़ लेंगे, तो उनके वो मतलब सेंटेंस को कभी भी उनके कवरेज को नहीं दिखाएंगे। और आज गाजीपुर जिले के सभी विधानसभाओं के विधानसभा सेक्टर प्रभारी, सेक्टर पर्यवेक्षक और बूथ कमेटी का जो है बड़े पैमाने पर समीक्षा की गई, और जो कमियां हैं उसको सुधारते हुए, भाईचारा बनाते हुए, हर छोटे बड़े आवाम पदाधिकारी और जन सर्व समाज को सम्मान देते हुए हम 2024 के लिए कमर कस लिए हैं। साथ ही साथ जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा होती है तो हमारे हर जिले के हर वार्ड और हर महानगर, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के हमारे छोटे बड़े पदाधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव मैदान में उतरेगी, और मुझे पूरा उम्मीद है जो हालात हैं प्रदेश देश के, तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन, अध्यक्ष, सभासद बनेंगे।